राजस्थान के टोंक के देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से मालपुर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद उपजा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को आरोपी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये बवाल और बढ़ गया है। मीणा समर्थकों ने जगह जगह जमकर बवाल काटा है। पहले तो आप वो वीडियोस देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटनास्थल समरावता गांव में मीणा समर्थकों ने सड़क को खोद डाला है। वहीं टोंक समेत 12 और सवाई माधोपुर में रात को भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। घटना के विरोध में आरएसएस अधिकारियों की प्रदेश भर में पेन डाउन स्ट्राइक जारी है। वहीं अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल आज सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेगा। आरोपी नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। मीणा की गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित हुए उनके समर्थकों ने समरावता गांव की सड़क जेसीबी से खोद डाली है। देखिए, वहीं टोंक के ही अलीगढ़ कस्बे में नरेश मीणा समर्थकों का जाम लगा दिया गया है। वहीं जगह जगह हुए प्रदर्शन के दौरान मीणा समर्थकों ने करीब 2.5 दर्जन वाहन फूंक डाले हैं। देवली उनियारा में एक मीडिया कर्मी पर भी हमला कर दिया गया है। इन प्रदर्शनों के दौरान करीब 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। देखिए, वहीं टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे भी जाम किया गया। इससे पहले गुरुवार को दिन भर चले प्रदर्शन के बाद मीणा समर्थक रात को और उग्र हो गए। उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर अवरोधक लगातार जाम लगा दिया। कोटा संभाग के 12 जिले में भी नरेश मीणा की समर्थन में शहर के विवेकानंद चौराहे पर भी टायर जला दिए गए। प्रदर्शन पर उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। देखिए, प्रदर्शन के दौरान वही भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं टोंक बूंदी और कोटा जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 4 केस दर्ज कर लगभग 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में सीएम भजनलाल शर्मा लगातार फीडबैक ले रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थक नरेश को छुड़वाने के लिए आज भी उन्होंने बवाल किया, लिहाजा पुलिस ने नरेश के असर वाले टोंक बूंदी और कोटा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तो फिलहाल के थप्पड़ कांड पर ये बड़ा अपडेट है। इस मामले पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ पंचिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।